समेत लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि बेटा आप इतिहास पढ़ो, बेटा आप इतिहास पढ़ो। तो भाई साहब आज मैं आपको इतिहास के 10 बड़े झूठ बताती हूँ। सबसे पहला झूठ, 2 गोली लगने के बाद गांधी जी के मुंह से हे राम निकला था। सफेद झूठ, 2 गोली लगने के बाद गांधी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला था। दूसरा झूठ, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एकदम बकवास, नेहरू जी बच्चों से नहीं महिलाओं से बहुत प्यार करते थे, खास करके विदेशी महिलाओं से। तीसरा झूठ, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। एकदम बकवास, 1857 में भारतीयों ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। 1947 तक 7,32,000 भारतीयों ने बलिदान दिया तब आजादी आई। चौथा झूठ, ए मेरे वतन के लोगों सुनकर नेहरू जी रो दिए थे। एकदम बकवास, नेहरू जी ने भारत की हथियारों की कल कारखाने बंद करवाई थी, चीन को ताकतवर बनवाया, परमाणु शक्ति बनवाई, और 1962 में संसद में उन्होंने बयान दिया कि क्या हो गया मानसरोवर गया तो, वो तो बंजर भूमि थी, घास का एक तिनका भी उस पर नहीं उगता था। पांचवा झूठ, अकबर महान था। महाझूठ, अकबर एक विदेशी आतंकवादी था, एक पूर्ण हवसी था, वह महाराणा प्रताप से डरता था, इसलिए वह हल्दीघाटी के युद्ध में नहीं आया। छठा झूठ, मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर करना। एकदम बकवास, मजहब के नाम पर इस्लामिक चरमपंथियों ने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया, मजहब के नाम पर ही देश का बंटवारा किया, 30 लाख का कत्लेआम किया। सातवां झूठ, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई। एकदम बकवास, भाई भाई तो एक भाई दूसरे की माता तुल्य गाय को कट कर खाने के पीछे क्यों पड़ा है, कश्मीर से हिंदुओं को क्यों भगाया। आठवां झूठ, गंगा यमुना तहजीब। मीठा झूठ, गंगा भी हिंदू नदी है और यमुना भी हिंदू नदी है, यमुना कब से इस्लामिक नदी होने लगी। नौवां झूठ, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। एकदम बकवास, गांधी जी ने हिंदू महिलाओं को बलात्कार को सहन करने के लिए कहा, उन्होंने हिंदुओं को कहा कि मुस्लिम कत्ल करे तो कत्ल हो जाओ, लेकिन मुस्लिम को कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं को मत मारो। दसवां झूठ, नेहरू जी पंडित थे। एकदम बकवास, नेहरू जी गियासुद्दीन गाजी जो कि अफगानिस्तान का था उसका वंशज था, नेहरू जी का मुबारक अली से भी संबंध है, नेहरू ब्रह्मांड में किसी भी ब्राह्मण का सरनेम नहीं है। वामपंथियों, कांग्रेसियों ने, सेक्युलरों ने, जिहादियों ने आज तक हमें ये झूठ परोसा, हम इन झूठों का शिकार हुए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इन तमाम झूठों से सावधान रहना।